आप इसके 7 कैप्सूल एक दिन में खाओगे तो ये कितना चलेगा यार? 110 कैप्सूल तो वैसे ही है, मुश्किल से 12 दिन या 15 दिन और फिनिश। और इस कोड लेवर ऑयल के कैप्सूल इतने ज्यादा लेने के बावजूद भी आप। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग? दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ, आज हम बात करेंगे कोड लेवर ऑयल कैप्सूल के बारे में। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, किस तरीके से काम करता है, ये लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। बस आप लास्ट तक बने रहना। और हाँ, मैंने फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो फिश ऑयल से रिलेटेड ऑलरेडी बना दी है, बस आप आई बटन पर जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही में जिन लोगों को ये लगता है कि फिश ऑयल या फिश खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए या उससे पहले नहीं पीना चाहिए, बेसिकली ये दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये मिक्स हो गए तो आपकी बॉडी पर व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे, यानी कि सफेद दाग। और ये जो मिथ है बहुत से लोगों में बना हुआ है, और इस टॉपिक को भी मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, बस आप जाकर उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इस पर लिखा है कोड लिवर ऑयल, यानी कि जो कोड नाम की एक फिश है उसके लिवर से ये ऑयल निकाला गया है। और बाकी के जो आपको फिश ऑयल्स मिलते हैं सप्लीमेंट स्टोर्स पर, उसे फिश के जो टिश्यूज होते हैं, जो उनका मांस होता है, उससे बनाया जाता है। और फिश से जो ऑयल निकालने की प्रोसेस है, नॉर्मली घर पर क्या होता है, इसको छोटे छोटे पीसेस में किया जाता है, उन्हें एक बॉक्स में कंटेन किया जाता है लगभग 2 हफ्ते तक धूप में। उसके बाद उस फिश के टिश्यूज से वो ऑयल निकलता है। और ये प्रोसेस मशीनरी दोबारा की जाए तो थोड़ी कम टाइम में हो जाती है। जैसे कि मार्केट में जितने भी ऑयल्स हैं उन्हें एक कमर्शियल मशीन में निकाला जाता है, तब जाकर वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारी मार्केट में आ पाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, बस एक मिनट, बॉक्स ये है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक कैप्सूल लगभग 300 mg का है, विटामिन ए डी और ओमेगा 3 है, बट ये एकदम कंफर्म नहीं किया गया है कि कितना कितना है। इसकी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता पड़ा इसमें EPA लगभग 30 mg और DHA लगभग 40 mg, यानी कि 70 mg, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा ही कम है। और बात करें विटामिन ए की तो वो लगभग 318 से लेकर 20 आयु तक है, और विटामिन डी है इसमें लगभग 32 से लेकर 34 आयु तक। आयु का मतलब क्या है? आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। अब इंटरनेशनल यूनिट का ही मतलब क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है। इसमें यह बताया गया है कि जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, यानी कि जो खनिज हैं, उनके एक नंबर सेट किए गए हैं कि इतने नंबर्स आपकी बॉडी के लिए सुटेबल हैं, यानी कि इतना अंडर में तो आपको लेना ही है। वो आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट नंबर वो सभी लोगों पर अप्लाई होता है, बट कुछ केसेस में वो नंबर काम नहीं कर पाते हैं। आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि आयु क्या है। बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, अब इसके हम मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ना जी ना। और ऐसा क्यों? वो इसीलिए बिकॉज जब भी आप फिश ऑयल लेते हो तो आप उसे किस बेस पर लेते हो? ओमेगा 3 के लिए ना। हाँ, वो अलग बात है कि और भी ज्यादा इसके बेनिफिट्स है, बट मेन पॉइंट क्या है आपका? ओमेगा 3। हमारी मार्केट में और भी कंपनीज के फिश ऑयल्स अवेलेबल है जो कि लगभग 1 ग्राम तक का एक कैप्सूल होता है, उसे आप मिनिमम 2 तो कंज्यूम करोगी सुबह शाम, इससे बना वो 2000 mg, लेकिन ये है 300 mg का एक कैप्सूल। अगर ये उसकी बराबरी करेगा तो कितने कैप्सूल खाने पड़ेंगे आपको? लगभग 7, यानी कि लगभग 2100 mg तक। और जब आप इसके 7 कैप्सूल एक दिन में खाओगे तो ये कितना चलेगा यार? 110 कैप्सूल तो वैसे ही है, मुश्किल से 12 दिन या 15 दिन और फिनिश। और इस कोड लेवर ऑयल के कैप्सूल इतने ज्यादा लेने के बावजूद भी आपको EPA और DHA जो पर डे की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये किसी काम का नहीं है, सॉरी काम का तो है, लेकिन जो हमारे पॉकेट के हिसाब से मनी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में और भी ज्यादा फिश ऑयल्स हैं, आप उन्हें जाकर ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लेना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, उधर से भी जाकर आप ले सकते हो। ओके, ये था टॉपिक। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।